लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अजय ये बता, तू सारा गांव में क्या करेगा? तेरे को तो हल भी चलाने को नहीं आता है। भाई अगर हल मैं चलाएगा तो बैल क्या करेगा? भाई भाई मेरे को आइडिया आ रहा भाई, अब उन गांव में ना प्रोफेसर बन जाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे भाई। अरे तेरे को मेरे को इतिहास क्या है, घंटा मालूम है भाई, गांव वालों को भी घंटा मालूम है। हाँ भाई, अब उनको जानवी की बहुत याद आ रही है यार। भाई गाड़ी घुमाओ। हाँ घुमाना। सुनो जी, सुनो ना। सिमरन अपने कमरे में नहीं है। किधर है? चलो। कहाँ? कहीं भी। हटो जी। हेलो अंकल जी। हेलो हाँ, हेलो। ओ हेलो जी। हाय हेलो। लड़का पसंद नहीं है? अरे बंद कर, बुलाओ तेरी मम्मी को। किसी और से शादी करना चाहती हो? गाड़ी रोको। रोको कहाँ ना। सुनो जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे सिमरन को नहीं बताना चाहिए था। बताइया जी, बताइया। पैग इनकम की बोलिया? वो मैं की ससुराल में कोई टाइम ऑफ बर्थ पूछे तो तू एएम नहीं पीएम बता देना। सब बता दिया। जाइए खुद जाइए ट्रेन के सामने, वही करने आई थी ना। माँ बहुत रोएगी आपकी, ये ड्रेस उन्होंने ही सेलेक्ट किया होगा ना। ने सेलेक्ट की थी, पापा ने सब बिगाड़ दिया, तुम क्या कर लोगे? अरे प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो बोलो। तुम क्या कर लोगे? अपना एक दोस्त है, वो 100% कुछ कर सकता है। जानवी! एक बार बात करके देख लो, वरना हर दो मिनट में लोकल तो आती जाती रहती है, मरने की इतनी भी क्या जल्दी। देख अब उनको सिर्फ एक बार जानवी से बात करने के, फिर साला गुड बाय मुंबई। She's gone for the day. तू ना अपने फोन से फोन लगा प्लीज। वो तुमसे बात नहीं करेगी। तो फिर अपुन उससे रेडियो पे बात करेगा। चल हट हट। मुरली मुरली वेट। ट्रांजिस्टर बोला ना, रेडियो पे बात करेगा। So guys have a blast. ये मामो बाहर वेट कर, अपुन को जानवी से बात करने गए। ये बाल का दुकान, चल हट। आज विनम्रता गया तेल लगाने को, कोई हिलेगा ना टकले में होल करेगा। ये वॉचमैन, ये खड़ा रहो। गुड मॉर्निंग मुंबई। भाई बहनों, ये मेरा लास्ट शो है, बट ओनली फॉर जानवी। चलो अपने अपने रेडियो बंद करो, अपुन जानवी के साथ कुछ प्राइवेट में बात करना चाहते। प्राइवेट? जानवी अपुन रिटायर होकर परमानेंटली गांव जा रहे, जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं, प्लीज। हेलो जानवी। हेलो मुरली। कौन है बे? विक्टर बोल रहा हूँ, विक्टर डिसूजा। विक्टर माय फ्रेंड। देख तू दो मिनट के बाद मेरे को फोन कर, अभी मेरा और जानवी का प्राइवेट मीटिंग चालू है। हाँ इमरजेंसी है मुरली। हाँ तू फिर पैसा उड़ाया क्या? सर जी रेडियो ऑन करो, सिमरन है। मैं झूठ बोलकर ये शादी नहीं कर सकती, मैं मांगलिक हूँ, ये उनके लिए जानना जरूरी है। अगर शादी के बाद उससे कुछ हो गया तो I won't be able to forgive myself. ये सिटी का राउंड मार हजारों मंगलिक पड़े हैं, बीवियां सेवा करते करते थक गए, लेकिन ये साले बुड्ढे लोग ऑफिस नहीं होते। देख तू ये झोलझाल में विश्वास मत कर। मैं नहीं करती, पर वो तो करते हैं ना। पापा को उन्हें सब सच बता देना चाहिए था। I hate my father. ए ऐसा मत बोल, बाप है वो तेरा। मैं आपको उनका नाम बताऊंगी तो आप भी यही कहोगे। ए, ए, अपने बाप का नाम पब्लिक में मत उछाल। अपुन समझ गए हो कौन है,
बीमार है बेचारा, उसका हेल्प कर, ऐसा उसको छोड़ के मर जा। वो ये सब सिर्फ तेरा खुशी के लिए किया। He was my hero. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे झूठ बोलेंगे। My father's a cheat. मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। चुप। बचपन में जब तू झूठ बोलती थी तो तेरा बाप टैक्सी पकड़ के भाग जाता था क्या? नहीं ना, वो तेरे को समझाता था, डांटता था, लेकिन हमेशा तेरे साथ रहता था, एकदम सॉलिड। चल वापस जा। मैं वापस जाऊंगी तो बहुत तमाशा होगा। अरे नहीं जाएगी तो डबल तमाशा होगा, और वो तेरे बाप को अकेला झेलना पड़ेगा। मुश्किल के टाइम पे कोई अपना साथ छोड़ के जाए ना तो कैसा लगता है अपन को मालूम है। पर मैं झूठ बोलकर ये शादी नहीं करना चाहती। वापस जाके सच बोल डाल, तेरा काम फिनिश। अब उनको सोचने दे उनको क्या करने का। अंकल नहीं मानेंगे। एक बात बता, वो लड़का तुझे उतना ही प्यार करता है जितना तू उसे करती है? I think so. तो फिर अपन गारंटी लेता है ये शादी होके ही रहेगा। ये विक्टर, इसको वापस लेके जा। मांग लिखूं? लेकिन वो कुंडली गलत थी। अभी क्यों बता रही हो? झूठ बोलकर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपको क्या लगता है अब आप सच बोलेंगी तो ये शादी हो जाएगी? I love him, uncle. Get out! Get out before I slap you! चले चले। क्या हुआ विक्टर? भारत वापस जा रही है मुरली। अरे ऐसे कैसे जाएगी भारत? तू कहीं जाने का नहीं जानवी, अपन अभी आते हैं। तब तक तू ये मस्त गाना सुन। ए अंकल, तू बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा अंकल। ऐसी लड़की तेरे बेटे को फिर नहीं मिलेगी। कौन सी लड़की इतने सारे पब्लिक के सामने सच बोलने की डेयरिंग करेगी अंकल? हाँ, अभी वो 11:55 को पैदा हुई तो इसमें इसका क्या मिस्टेक है अंकल? अरे कॉमन सेंस है यार, इसमें तारों सितारों को काय को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो माशा आप क्या चाहते हैं, ग्रहदशा जानकर भी हम अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दें? तू कौन है बॉस? मैं ज्योतिष हूँ, बटुक महाराज। आला सीरी तो ये वो भाई अपना बुढ़े लोग घर है ना, इसके वजह से क्या? अभी नया स्टोरी लाया साला, कि अगर ये शादी होगा तो लड़का मर जाएगा। तेरे को कैसे पता? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं। देख तेरी बात रॉन्ग भी हो सकती है ना बॉस। आज तक तो हुई नहीं है भाई, ये तो गॉड है यार। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर। मैं बोल दूं अपन कभी हारेंगे नहीं, 1100 नॉट आउट। मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हो तुम। ए, जब सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, अखी मुंबई में पानी भर गया था, तब किधर गई थी तेरी विद्या? ए, बात सुनो, मैं मौसम की जानकारी नहीं देता हूँ, लोगों का भविष्य बताता हूँ। अरे तेरे को खुद के भविष्य का पता नहीं तो तू दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? कौन कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? पता है तो बता, अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है अपने को क्या मालूम, तू जो दे रहे। अभी तू बोला तेरे ऊपर कोई संकट विंकट आने वाला है क्या? संकट क्यों आएगा? ए सर्किट बंदूक निकल। ए देख संकट। ए सर्किट एम लगा।
अपन साला 10 तक गिनेगा, 10 के बाद गोली चला देना बिंदास। देखो तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। ए बटोक, तेरे को अपनी कुंडली पर फुल कॉन्फिडेंस है ना? देख साला हिलेगा नहीं। हाँ मजाक थोड़ी, सुनो तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात। भाई और बहनों डरने का नहीं, अपन बहुत अहिंसक आदमी है, लेकिन अपन श्योर है कि गोली इसका खोपड़ी से पार हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो तुम? लेकिन इसको कोई डैमेज नहीं होएगा। ए ऑटो, गोली थ्रू एंड थ्रू जाने वाला है। इसको इसको क्या कर रहे हो तुम? क्या एक हटाओ इसको। मैं सुनो दो, मैं कहता हूं बंद करो इसे। तीन, तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरी बात? हटाओ, हटाओ, हटाओ ना यार। पांच, सुनो यार मेरी बात सुनो तुम। आप लोग कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे घर बुला कर कोई करता है क्या? पुराने साहब आप तो कुछ करिए ना, देखिए ना बस। दस नहीं बोलो हेलो भाई, तो टपा गया ऑर्डर है, सॉरी बोलने का है। अंकल, जिसको खुद का भविष्य नहीं मालूम वो दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? ये शादी मत रोक अंकल, अपन तेरा हाथ जोड़ता है। ए! कोई समझाना इसको। अरे कोई कुछ बोल तो इसको। अपन तो साला येड़ा है फिर भी क्लियर दिखता है कि गलत हो रहा है। तुम समझदारों को ये बात समझ में नहीं आती क्या? ये सर्किट अच्छा हुआ बापू रेल में नहीं है यार। आज वो यहां होता ना तो ये डरे हुए लोगों का देश को देखकर बहुत रोता था यार। वो बोल बोल के मर गया कि सच बोलो, लेकिन आज कोई भी सच बोलता है ना तो लोग उसकी वाट लगा देते हैं। ये लड़की ने डेरिंग की तो 12 रिटर्न चल सर्किट चल, लेके चल अपन को अंदर, नहीं रहने का अपन को इन समझदार लोगों के बीच में। चल चलो। सनी कहाँ है? सनी चलो। डैड, सिमरन से शादी करूंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन नहीं करूंगा तो जरूर मर जाऊंगा। भाई तेरे को शोर है ना, ऐसा रोज रोज इधर आने से अपन का रेपुटेशन बढ़ेगा। चिट्ठी लेके किसको भाई? डियर जानवी, अपुन सॉरी अपुन तुम्हारा जिंदगी में आया, लेकिन क्या करता? जब तुम गुड मॉर्निंग मुंबई बोलता था ना तो अपुन की लाइफ में फुल सनलाइट आ जाता था, और जब तुम गुड नाइट मुंबई बोल के जाती थी ना तो साला अपुन फुल नाइट तुम्हारे बारे में सोचता था। ये लाइफ तो साला गया, लेकिन अगली लाइफ में अपन रियल का प्रोफेसर बनेगा, और बिना चीटिंग का क्विज जीतेगा और तुम्हारा स्टूडियो में आएगा। लेकिन जानवी तुम चेंज नहीं होने का। हा? अगली लाइफ किसने देखी है मुन्ना? अपन को तो यही लाइफ तुम्हारे साथ बितानी है। अपन ना तुमको स्टूडियो की खिड़की से देखेगा ना तो तुम अपनी लट को उंगली से उठाकर कान के पीछू बिठा देना। ऐसे वो नेक्स्ट टाइम अपन गोवा जाएगा ना तो अपन फुल कॉन्फिडेंस में तुमको अंगूठी देगा। कैसे दोगी अंगूठी? वो तो मेरे पास है। ये सर्किट। हाँ भाई, अपुन के भेजे में बहुत केमिकल लोचा है यार,
तेरे को जानवी दिख रही है क्या? हाँ भाई। हाय जानवी, बता किधर है? भाई वो उधर ही है भाई, तुम्हारे पीछू। पीछू? हाँ पीछू। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि तुम प्रोफेसर नहीं हो? You're the best professor I've ever met, मुरली। गांधी पे ज्ञान बांटने वाले बहुत प्रोफेसर्स देखे, पर गांधीगिरी करने वाला सिर्फ एक। लेफ्ट से थर्ड वाला उंगली। कौन सा? थर्ड वाला। 1 2 3। 1 2 3। Congratulations, boy. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. भाई हाँ? इसको इधर ही धो डालते अपन, पहले से अंदर है, और कितना अंदर जाएंगे? ये आ रहा? थैंक्स अ टन। हेले बस फिर क्या, इन्हें अपना घर वापस मिल गया। मुन्ना और जाह्नवी ने शादी कर ली, अब दोनों मिलकर रेडियो पर साथ साथ गांधीगिरी करते हैं। बोमी टीना एक बेटा चाहते थे, मुश्किल था, सर्किट को गोद ले लिया, सोचा उसकी चार ढाल बदल देंगे। चार ढाल तो बदली, पर सर्किट की नहीं। मिस्टर डिसूजा का सर फक्र से ऊंचा हो गया है। आज उनके बेटे ने अपनी कमाई से एक दूसरी टैक्सी खरीदी। सनी सिमरन की शादी को 5 साल हो गए। सनी जिंदा भी है और बेहद खुश भी। ये देखकर खुराना को भी समझ आ गई, आखिर एक दिन उन्होंने बटुक को अपने काम से और के को अपने नाम से निकाल फेंका। आप सोच रहे हैं मेरा क्या हुआ? भाई मुझे तो बरसों पहले मार दिया था, पर मेरे विचार 3 गोलियों से नहीं मरने वाले। जमाने बदलते रहेंगे, पर मेरे विचार किसी न किसी भेजे में केमिकल लोचा करते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो मुझे तस्वीर बना के दीवार पे लटका दो, या मेरे विचारों पे विचार करो। चलता हूं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लकी सिंह। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। बापू, ओए बापू, कमाल हो गए जी, बापू कमाल हो गए जी, मेरी लाइफ बना दो बापू, मेरी लाइफ बना दो बापू, पर बापू पढ़ाई करन तो पहला। 142 बापू, ओए फोटो स्टूडियो, कमान हरिया।